इस वक्त हमारे साथ हैं विनेश फोगाट जी, जो अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में वहां से गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं कुश्ती में। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये मेडल उन्होंने हासिल किया। विनेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे देश का, हरियाणा का विश्व लेवल पर एक नाम रोशन किया, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप गोल्ड मेडल पहली बार यहाँ पर जो जीत कर ला रहे हैं, तो ऐसे में जो खुशी है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जो फोगाट जी हैं उनको खुशी हुई होगी, आपका जिन है, सब में क्या कुछ माहौल है? अच्छा लग रहा है कि सभी लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे और लास्ट डे मेरा कंपटीशन था, प्रेशर था ऑब्वियसली कोचिज का था, सभी लोग तिरंगे के साथ फ़ोटो लेना चाहते थे और मेरे लिए वो जो तिरंगा था वो मुझे कभी नहीं मिला था, तो वो मैं बस वो था कि मुझे तिरंगा कैसे आज अपने हाथ में पकड़ना है और उसी को मैं बार बार मैट पे जब मैं वार्म अप कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, वो तिरंगा मेरे बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज ये कुछ भी हो जाए भगवान मुझे प्लीज़ दिलवाओ, ये थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए। और थोड़ा बहुत कभी डर लगता है, जैसे कभी भी होता है कि आप गोल्ड तक पहुँचने वाले हो, लगे एक डर लगता है कि कहीं ये कहीं हाथ से निकल ना जाए, सिल्वर पे ना रह जाए, तो क्या वो एक नर्वसनेस? एज ए एथलीट मुझे लगता है कि हर एक कॉम्पिटिशन में हर एक टाइम पर आपको ये बातें परेशान करती हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स से निकलने के लिए हमें थोड़ा माइंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, वो हम साइड में करते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, हमने ट्रेनिंग किया है उस चीज़ का, तो वो थॉट्स आते हैं, नर्वसनेस भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एज एथलीट नर्वसनेस भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ओपोनेंट के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि हम एक्टिव होंगे, हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा सा और एग्रेसिव होगा उस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल। और आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको देखकर आपके जो और कज़िन हैं या जो भी और भी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो भी इस फील्ड में आ रही हैं और अपने आप को विनेश फोगाट बनाना चाहती है, तो आप तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है जो हमें मिल रहा है और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई मुझे देख के कुछ भी सीखेगा। मैं एक्चुअली किसी को देख के बनना चाहती थी कि मैं एक अच्छी, मुझे नहीं पता था कि मैं जो रेसलर बनूंगी, बस ये था कि हाँ मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, कुछ बड़ा बनूंगी, ऐसे मुझे गट्स फीलिंग आते थे कभी कभी। और अगर आज मुझे देख के अगर कोई एक भी लड़की अगर रेसलिंग में आती है या अपने हरियाणा का, अपने देश का नाम अगर रोशन करते, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा प्राउड की बात कुछ नहीं होगी। आज विनेश फोगाट मतलब चोरों के छक्के छुड़ा सकती हैं अपनी पहलवानी से? बिल्कुल नहीं, मैट पे मैं अब जो भी अपोनेंट्स मेरे सामने आएगा तो ओब्वियसली मैं उससे जीतने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। और ताऊ जी का बहुत बड़ा रोल है आपके यहाँ तक पहुँचने में, आज बेहद खुश होंगे, तो किस तरह का उनका सपोर्ट रहा है? रेसलिंग में उन्होंने डाला था तो कभी नहीं सोचा होगा शायद कि इस लेवल पे जाएंगे, बस ये बोलते थे कि करना है, लेकिन करना कैसे है, होगा कैसे, मुझे भी नहीं पता था। और वो सपना तो अभी पूरा नहीं हुआ है ओलंपिक्स में, मेरा भी ड्रीम बन गया है कि ओलंपिक्स में मैं गोल्ड लूँ, और उसके लिए मैं, मेरा जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूँ, वो मैं देने की ट्राई करूँगी। आप यहाँ तक पहुँचे, आपके पेरेंट्स भी खुश हैं, सबको ही खुश यहाँ पर हैं ताऊ जी, और पूरा गाँव, पूरा देश यहाँ पर खुश, उम्मीद करते हैं आगे जो आपका सपना ओलंपिक का वो भी पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विनेश फोगाट जी, जिनका सपना है ओलंपिक में जाने का, इनकी जो हमारी दुआएं हैं इनके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि ये अपना जो सपना है वो ज़रूर पूरा करें। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।